प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मिला तोहफा, बना श्राव नर्मदा की संतानों के लिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का तोहफा। दरअसल मामला जुड़ा है प्रदेश को समर्पित किए गए 138 मीटर ऊंचाई वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर बांध से। तमाम विरोधों की बाधाओं को पार करते हुए पूरे 56 सालों बाद तैयार हुआ सरदार सरोवर बांध, जिसकी क्षमता 4.73 मिलियन क्यूबिक पानी जमा करने की है। दावा किया गया इस तोहफे के बाद मध्य प्रदेश में बिजली पानी की कमी दूर होगी तो प्यासे गुजरात को पानी मिलेगा। अब गुजरात के बारे में तो गुजरात की जनता ही बता पाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रदेश के स्थानीय रहवासियों की। सूखती रेवा को देखकर किसानों को अपने सपने दरकते से दिखाई दे रहे हैं। अपने विशाल अस्तित्व की सिर्फ निशानी छोड़ सिमटती नर्मदा मानो अपनी मजबूरी पर खुद मायूस सी है। लोगों को आने वाले गर्मी के मौसम में खेतों के साथ साथ अपनी प्यास भी नहीं बुझ पाने की चिंता सता रही है। ऊपर जब पानी लाया गया था, जब अपने नर्मदा जी के जल स्तर को बढ़ाया गया था, तब ये मंदिर दत्तात्रेय मंदिर के वहाँ तक पानी चला गया था। और आज की स्थिति ये है कि जो पानी हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये गर्मी के दिनों की स्थिति थी, जो अभी हमारे तो गर्मी में 4 महीने बाकी है और वो स्थिति आज निर्मित हो रही है, तो गर्मी में पता नहीं क्या स्तर होगा जल का। इंदिरा सागर और ओंकारी से दोनों बांध है, उसके लेवल के नीचे ही पानी आ चुका है। जो अभी कैनालों पानी मिला हो उसके लेवल से भी नीचे आ चुका है। इसी तरीके से पानी रहा तो बड़वानी में जल संकट या बाकी जो शहर लगे हैं नर्मदा नदी पर, वो सभी जिलों में बड़ा संकट आने की संभावना है। बरसात को करीब 4 महीने बाकी है, 4 से 5 महीने बाकी है। और ऊपर की जो बांध इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बरगी या तवा की बात करें, सभी बांध खाली हो चुके, उनके लेवल से पानी नीचे आ चुका है। सिंचाई करने के लिए भी पानी नहीं मिलने की संभावना है, तो पीने की बात तो बहुत दूर है। और ऐसे जैसे गुजरात में जो सरदार सरोवर का पानी भरा गया था उसका 4 गुना इस बार पानी भरा गया, तो पानी भी नहीं पहुँचा है किसानों को। अभी भी किसान पीने के लिए पानी या फसल के लिए पानी मिलना मुश्किल है। सांच को आज क्या हालात सामने है। सियासी दांवपेच में खोए हुए अगर हम अब भी नहीं संभले तो सदियों से जीवन रेखा बनी नर्मदा के अस्तित्व पर गंभीर संकट से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका खामियाजा कितना खतरनाक होगा। न्यूज एंड व्यूज के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।